आज हम एक ऐसे मंदिर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो इस पूरे इलाके में इतनी प्रसिद्ध मंदिर है, और ये भगवान भोलेनाथ की मंदिर है। और रिकॉर्ड है कि अगर आज तक कोई भी यहाँ अगर आया है और सच्चे मन से अगर कुछ भी अगर मांगा है तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हुई है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल बिंद हृदय में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और दोस्तों, अगर अभी तक आप अगर हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं, जिस मंदिर के बारे में बताने वाले हैं, ये मंदिर बहुवार जिला सीधी में स्थित है। ये भगवान भोलेनाथ की ये मंदिर है। और दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मंदिर बहुत ही पुरानी है। हमने पता किया इसके बारे में कि इसका निर्माण कब हुआ, लेकिन किन्हीं कारणों से मेरे को वो पता नहीं चल पाया कि इसका निर्माण कब हुआ। आज भी जो यहाँ बुजुर्ग हैं, अगर हम उनसे पूछते हैं कि इसका निर्माण कब हुआ तो वो इसको बताने में सक्षम नहीं है कि इसका निर्माण कब हुआ। वो केवल इतना ही बताते हैं कि जब से हम जानने लायक हुए हैं तब से हम इस मंदिर को इसी प्रकार से देख रहे हैं। इस मंदिर का निर्माण ग्राम पंचायत बहुवार में, जो क्षत्रियों का समाज है, ये उन्हीं के द्वारा बनवाई गई ये मंदिर है। और दोस्तों, ये बहुत ही पुरानी मंदिर है। लगभग ये मान के चलिए कि 300 वर्ष के ऊपर ही होगी, उसके इधर तो नहीं होगी। क्योंकि अगर हम किसी भी व्यक्ति से पूछते हैं जो लगभग 70 या 80 वर्ष के हैं, उनसे अगर हम पूछते हैं तो वो बताने में सक्षम नहीं है। तो दोस्तों, यानी ये मंदिर 300-400 वर्ष तो पहले की ही होगी, अभी की ये मंदिर नहीं होगी। दोस्तों, इसका गुम्बद ये देखिए, आप अगर अंदर से देखते हैं, ये इतनी ऊंचाई में है और इसमें टोटली जो चारों तरफ है टोटल पत्थर लगे हुए हैं। और दोस्तों, इसमें भी जो पत्थर लगे हुए हैं वो पत्थर यहाँ तो मिलता ही नहीं है। ये भी पत्थर, इनके जो पत्थर है, जब ये बनवाया गया होगा तो कहीं से बाहर से मंगवाया गया रहा होगा, क्योंकि वो पत्थर तो यहाँ कहीं आसपास है ही नहीं। और दोस्तों, पूरा समझ में आता है, ये पूरा एक एक जो है बड़ी बड़ी शिलाओं को जोड़ जोड़ के ये मंदिर को बनाया गया है। दोस्तों, जैसे मैं आपको बता रहा था इसकी कलाकृतियाँ, दोस्तों ये देखिए, तो पूरा ये पत्थर है, पूरे पत्थरों में इसकी कलाकृति की गई है। पत्थर को उकेर के इसमें ये बनाया गया है। पूरा जो ये दरवाज़ा है, ये बहुत ही हैवी, जो भगवान भोलेनाथ का दरवाज़ा, बहुत ही हैवी दरवाज़ा लगा हुआ है। और इसके जो पत्थर भी हैं, ये जैसे ही हमने इसको देखा तो इसमें केवल तीन पत्थरों का मिलके ये पूरा दरवाज़ा बना हुआ है। दोस्तों, जितना पूरा ये दरवाज़ा दिखाई देता है, ये हमारे थोड़ा समझ में आया कि केवल ये तीन पत्थर इसमें लगे हुए हैं, पूरे उसी तीन पत्थर को मिला के ये पूरा दरवाज़ा लगा हुआ है। देखिए दोस्तों, कितनी बारीक कलाकृति, इसकी कलाकृति अगर आप देखिए कितनी बारीकों से बनाया गया रहा होगा जब भी बना था। ऐसा तो कलाकृति आज के समय में संभव नहीं है कि पत्थर पर इस प्रकार की कलाकृति बना दी जाए। अब जो कलाकृतियाँ बनती हैं तो सब सीमेंट और बालू की बनती है, सांचे में डाल देते हो कलाकृति, लेकिन आप इसकी कलाकृति देख लीजिए दोस्तों, ये कोई सीमेंट नहीं है और ना रेता है, ना ही ढांचे में इसको पुरोया गया है, टोटल ये पत्थर का हुआ है। दोस्तों, ये इस मंदिर माता जी हैं हमारे गाँव की, और ये समझ लीजिए कि पूरे गांव की रखवाली इन्हीं के हाथों में है। और जब भी मन अगर उदास हो, आप अगर यहाँ आ जाएं तो आपका मन बिल्कुल एकदम परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों, इस मंदिर में आने से ही परिवर्तित हो जाता है, और माता जी की तो बात ही निराली है। दोस्तों, ये पूरा गैलरा हो गया, आप देख सकते हैं। और ये सामने दोस्तों, ये हनुमान जी की कोठरी है और इसमें हनुमान जी रहते हैं। दोस्तों, ये हनुमान जी की लगभग हमारे तो समझ में आता है कि ये हनुमान जी हल्का बड़े होते हैं, क्योंकि मैं इसके पहले भी जब मैं आता था तो थोड़े छोटे थे, लेकिन अब शायद ये बड़े हो रहे हैं। तो ये मेरे को ऐसे आभास होता है कि हनुमान जी बड़े हो रहे हैं, लेकिन होते बहुत ही हल्के से हैं। दोस्तों, इस
मंदिर की जितनी भी गुणगान किया जाए बहुत ही कम है, क्योंकि इस प्रकार की मंदिर दोस्तों यहाँ आसपास पूरे इलाके में नहीं है जितनी यहाँ जो ये मंदिर यहाँ पे है। लेकिन दोस्तों अगर आप इसकी कलाकृति देख लीजिए, ये पूरा स्पष्ट है, समझ में आता है कि ये मंदिर बहुत ही पुरानी है। लेकिन जबकि भी है दोस्तों, इतने अच्छे ढंग से इसके बनवाया गया था, और बताया जाता है कि जब इसकी जुड़ाई हुई थी तो ये बेल और गुड़ इसको मिला के हुई थी। दोस्तों यहाँ बहुत लोग आते हैं, जैसे भंडारा वगैरह होता है। ये सामने देख सकते हैं दोस्तों, ये मंदिर के पीछे की ये रसोई कक्ष बना हुआ है, और जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं या कि जो यहाँ रामायण करवाते हैं, मानस करवाते हैं, तो जब भंडारा वगैरह होता है तो उसके लिए मंदिर के पीछे प्रांगण पूरा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे पूरा देखिए दोस्तों, ये जो नज़ारा है, इस जो बगीचा है इसको कहते हैं नज़र बाग, इसको नज़र बाग कहते हैं, और नज़र बाग में ही ये मंदिर स्थापित है। बढ़िया स्थान है दोस्तों, बहुत बढ़िया फैला हुआ स्थान है, और काफ़ी यहाँ जगह भी है, और पूरा व्यवस्था हो गया है, बाउंड्री वाल बनी हुई है, बाहर से मवेशी वगैरह नहीं आते हैं। सामने का अगर आप ये देखिए तो सामने भी, जैसे कोई अगर मानस करवाता तो सामने बना हुआ है, अच्छा बड़ा हाल है, उसी में एक कमरा अलग से है सामान रखने के लिए, और अच्छा सामने मैदान है, बढ़िया क्यारी। अब तो गर्मी की रीत है, कुछ पेड़ पौधे सूख गए हैं, लेकिन अगर आप देख सकते हैं अच्छे खासे पेड़ पौधे हैं, और फूलों की व्यवस्था है। दोस्तों सबसे बड़ी बात, ये नदी, जिस कि इसी के साथ में अगर आप ये नदी देखिए दोस्तों, ये नदी, ये समझ लीजिए कि यहाँ की पूरी जीवनदायिनी ये नदी है। इसका उद्गम जहाँ पे ये मंदिर बनी है, इससे मात्र 1 किलोमीटर आगे वहीं से ये मंदिर नदी निकलती है दोस्तों। और रिकॉर्ड है कि ये नदी आज तक कभी सूखी ही नहीं, चाहे जितना भी अकाल पड़ जाए, लेकिन ये नदी कभी भी नहीं सूखी है दोस्तों। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे चौड़ाई है, यहाँ पे ज़्यादा पानी है, लेकिन अगर आप इस नदी की ओर आगे जाएँ या कि पीछे जाएँ, अगर आप देखेंगे तो मात्र बहुत ही सकरी नदी है। इसका पानी कहाँ से आता है और कितना आता है, कैसे आता है, कोई आज तक समझ ही नहीं पाया है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये नदी यहाँ की जीवनदायिनी है, और हमेशा इसमें पानी रहता है, कितना भी सूखा पड़ जाए। जिस प्रकार दोस्तों अपना पूरा देश कृषि आधारित है, कृषि प्रधान देश है, उसी प्रकार ये गांव भी कृषि प्रधान है, और केवल इस नदी के द्वारा ही सिंचाई के कारण इस गांव में जो भी खेती वगैरह होती है तो इस नदी के पानी से ही सिंचाई होती है, और यहां उत्पादन होता है। ये कहना अतिसंयुक्त नहीं होगी दोस्तों कि अगर इस गाँव में धन्य धान से अगर पूरे लोग अगर भरे हुए हैं तो इस मंदिर और इस नदी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, तभी दोस्तों ये गांव इतना संपन्न है। दोस्तों ये हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? दोस्तों अगर अच्छा लगता है, ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो आपको देखने में मिलती रहें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों।